न्यूटन कहते हैं एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और अचानक एक सेब गिरता है और तभी अचानक उनके अंदर एक प्रश्न पैदा होता है, एक खोज पूरी होती है कि धरती किसी ताकत से खींचती है हर चीज को। कोई भी फल टूटता है सीधे धरती के ऊपर जाके गिरता है और वहां एक नियम की खोज हुई, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर न्यूटन मुझको कभी मिले तो मैं उनसे पूछूं, जब फल टूटा धरती पर गिरा, ये गुरुत्वाकर्षण है, ये धरती का अट्रैक्शन है, लेकिन ये बीज को जो धरती में गाड़ा था, ये बीज का टूटना, इतने सख्त खोल का टूट जाना, उसका अंकुरित हो जाना और उस अंकुरण का इतनी कठोर धरती की छाती को चीर करके ऊपर आकाश की तरफ बढ़ना, ये कौन सी ताकत है जो ऊपर की तरफ खींच रही है। फिर धीरे धीरे पत्तों का निकलना, पत्तों का बड़ा होना, फिर टहनियों का निकलना और धीरे धीरे पेड़ का ऊपर की तरफ उठते जाना और इस आकाश को अपनी बाहों में भरने की एक आकांक्षा से भर जाना। देखते हैं ये पेड़ क्या कर रहा है, ये अपनी बाहें फैला रहा है, अपनी टहनियां अपने पत्तों के द्वारा इस पूरे आकाश को, इस अनंत आकाश को, इस परमात्मा को, गोविंद को अपनी बाहों में भरना चाहता है। भर नहीं पाता, क्या है ये, भर नहीं पाता तो फिर क्या करता है, उसको पूरी तरीके से स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए वो फूल खिलाता है और फूलों की सुगंध को आकाश में उड़ाता है। तो आकाश को छूने का तरीका, आकाश को अपनी बाहों में भरने का तरीका कितना कमाल है। और फिर जब इस तरीके से भी उसको संतुष्टि नहीं होती, संतोष नहीं होता, परितोष नहीं होता, तो उस फूल पर फल आ जाता है और उस फल में फिर कितने सारे बीज आ जाते हैं, फिर उन बीजों से नए अंकुरण होते हैं और फिर आकाश को छूने के लिए अब केवल एक नहीं, हजारों हजारों अंकुरित बीज अब वृक्ष बनेंगे और फिर बाहों में भरेंगे। मैं न्यूटन से पूछूं, ये बीज अंकुरित कैसे हुआ और आकाश को छूने के लिए ऊपर कैसे बढ़ा और ये फूल कैसे आ गए ऊपर, ऊपर जाकर के, और उसके ऊपर फल कैसे आ गए। फल तो बाद में गिरा जमीन पर, लेकिन उससे पहले फल आया, वो फल ऊपर कैसे पहुंचा, वो किस नियम से, वो जो नियम है वो प्रेम है। दैट लॉ इज लव। वो जो पेड़ के ऊपर सेब पहुंच गया, वो जो पेड़ के ऊपर अमरूद पहुंच गया, ये अमरूद का बना,